Subscribe to my channel and press the bell icon so that you get notified whenever I am online. Friends, क्या आप सब ये जानते हैं कि आजकल कई प्रकार की बीमारियां जैसे कि PCOD, थायराइड, हार्मोनल इश्यूज, कैंसर्स, ये सब चीजें खाने पीने या फिर आपके सिर्फ लाइफस्टाइल को चेंज करने से या लाइफस्टाइल से नहीं हो रही हैं। ये सब चीजें कुछ और दूसरी वजहों से भी हो रही हैं, जिसमें कि आपका खाने का तरीका और जिसमें आप खाना बना रहे हैं वह चीज भी इसमें शामिल है। आप पूरा का पूरा दोष अपने लाइफस्टाइल पर नहीं दे सकते हैं। साथ ही साथ में इसके साथ कुछ और चीजें भी हैं, जैसे आप खाना बनाते हैं, जिसमें आप खाना बनाते हैं वो वाली कुछ बातें भी यहाँ पे मौजूद हैं। आपको अपने किचन में भी कुछ ना कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, ताकि उन सब की वजह से आपको ये बीमारियां ना हो। सो गाइज, दिस इज वरुण एंड आई वेलकम यू इन द 75th एपिसोड ऑफ ट्यूजडे टॉक्स। So guys, the first point is non-stick cookware. Everyone uses this in their kitchen. People cook food many times in non-stick cookwares. 90% of the people who are living in urban areas are using non-stick cookwares. Non-stick cookware पर PTFE यानी कि polytetrafluoroethylene की एक coating की जाती है, जिसको Teflon के नाम से भी जाना जाता है। This PTFE is made from PFOA, which is very harmful and poisonous for you. When you use it, these harmful chemicals get in contact with food, and due to heat, it reacts with the food. When you heat it, your food gets in contact with these chemicals and it reacts with the food. Now this food, which is very dangerous, which is dangerous for lungs, it is dangerous for brain, and it is also very dangerous for nervous system. So you have to avoid using non-stick cookware. लेकिन इसकी जगह पर आप क्या use करें? ऐसा क्या आप यूज करें जो इसको रिप्लेस कर पाए? तो इस चीज का सब्स्टिट्यूट है कास्ट आयरन कुकवेयर। कास्ट आयरन कुकवेयर अगर आप यूज करेंगे, ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। कुछ विलेजेस में, ओल्ड विलेजेस में ये आज भी यूज करा जाता है। बुजुर्ग लोग, पुराने लोग आज भी कास्ट आयरन को ही यूज करते हैं, तो वो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है और आपको उसी में अपना फूड कुक करना चाहिए। सो गाइज, द नेक्स्ट पॉइंट इज एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स एंड एल्यूमिनियम फॉइल। एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स बहुत ही ज़्यादा चीप और मेंटेनेंस फ्री होते हैं, और इसी वजह से ये सब आपके घरों में पहुंच चुके हैं और अपनी अपनी जगह ले बैठे हैं। एल्यूमिनियम आपकी बॉडी के लिए एक स्लो पॉइजन की तरह एक्ट करता है। WHO, which is World Health Organization, ने सिर्फ 50 mg adults के लिए per day अपनी body के लिए recommend करा है। But while cooking in aluminium utensils or covering your food with aluminium foil, we consume way more than what is recommended. But do you know what happens when we consume more aluminium directly or indirectly? Our body is not able to absorb zinc, which is very dangerous. Zinc is very important for your brain. It is also very good for your bone density. So absorption of zinc is very important. The major disease which is caused by this is Alzheimer's disease, and it also harm your kidneys. So you have to take care of it. तो अब इसका क्या करें, एल्यूमिनियम को कैसे हटाएं? बहुत सारे आपने मोमो जॉइंट्स में भी देखा होगा कि वो एल्यूमिनियम में कुक करते हैं और मोमोज को फ्राई करते हैं, तो ये बहुत गलत है। अब इसको आप अपने घरों से कैसे हटाएं? एल्यूमिनियम की फॉइल में खाना आप रैप नहीं करें, इसकी जगह पर क्या करें? तो इसकी जगह पर आप स्टेनलेस स्टील यूज कर सकते हैं। स्टेनलेस स्टील बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और उससे कोई हार्म नहीं है, और साथ ही साथ में आप आयरन कुकवेयर, कास्ट आयरन कुकवेयर को भी यूज कर सकते हैं। कास्ट आयरन भी स्टेनलेस स्टील के साथ आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अब एल्यूमिनियम फॉइल की जगह पर आप बटर पेपर या फिर क्लॉथ को यूज कीजिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा और उसके कुछ नुकसान भी नहीं है। सो गाइस, इसी के साथ बढ़ते हैं अपने थर्ड पॉइंट की ओर, विच इज प्लास्टिक यूटेंसिल्स, बॉक्सेस एंड बॉटल्स। आप सबके घर में ये चीज एक ना एक तो होगी होगी, कहीं ना कहीं आप प्लास्टिक में स्टोर करते होंगे या फिर आप प्लास्टिक की बॉटल में पानी पीते होंगे। यूटेंसिल्स में सबसे खतरनाक प्लास्टिक से बने हुए यूटेंसिल्स होते हैं। इन अवर किचन वी यूज प्लास्टिक बॉटल्स, वी यूज प्लास्टिक
utensils, boxes, we use all the things. But do you know how harmful are these plastics? Kitne khatarnak ho sakte hain ye? All these are made from toxic materials, and by storing hot food in these boxes or putting these plastic boxes in refrigerators, due to increase and decrease of temperature, they react with the food. They react with the toxic chemicals, and these chemicals get transferred to the food. Toxic chemicals like BPA, which is bisphenol A, which is very dangerous chemical, in long term, or we can say for prolonged period, this may cause diseases and are highly linked to the diseases like cancer, birth defect, impaired immunity, endocrine defects or endocrine disruptions, diabetes, obesity, liver and kidney failures, and many more. So plastic se itni sari bimariyan hoti hain, to kyun karte hain aap ise use? Iski jagah par aap inko substitute kare dusre product se, jo ki main batata hu kin se. So if you want to get rid of the plastic, so start using glass utensils, glass bottles. Glass is very good and usse wo react nahi karega. Glass is very good, so use that. You can also use bone china. Again, that's also very good, and you can replace plastic with bone china or glass utensils. Again, you can also use stainless steel. Stainless steel toh bahut hi achha hai, so you can replace it with that also. तो ये सब चीजें आप अपने किचन में चेंज करें और बहुत ही बड़ी बड़ी बीमारियों से, आपके हार्मोनल इश्यू से, थायराइड से, पीसीओडी से, इन सब चीजों से, अगर इन कारणों की वजह से ये बीमारी आपको हो रही है, सो इस चीज से बिल्कुल मुक्त हो जाए और ये चीज आप फटाफट से, ये तीनों चीजें आप अपने किचन के बाहर फेंकें, विच इज एल्यूमिनियम, विच इज प्लास्टिक यूटेंसिल्स एंड नॉन स्टिक कुकवेयर, ये आप बाहर फेंकें और इनको रिप्लेस कर दीजिए स्टेनलेस स्टील से, ग्लास से, और साथ ही साथ में आप एल्यूमिनियम के फॉइल की जगह पर आप यूज करें क्लॉथ को या फिर बटर पेपर को, और कास्ट आयरन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप उसे यूज करें. So guys, I hope you all like this video. Do like, share and subscribe. आप फटाफट से लाइक कर दो, अब यहाँ तक वीडियो तो देख लिया है तो आप लाइक भी कर ही दीजिए, और सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ये बहुत सबके साथ में, जितनों के साथ आप शेयर कर सकते हो आप शेयर करो, ताकि उन सबको ये बात पता पड़ पाए कि अगर वो अपने घरों में यूज़ कर रहे हैं तो ये चीज़ चेंज कर लें. और अगर आपको कुछ और डिटेल इसमें चाहिए, यू कैन गो डाउन टू गूगल, और सारी की सारी केमिकल्स, इन सब की डिटेल्स आप अच्छे से वहाँ से पढ़ सकते हैं. सो गाइज, आई होप यू ऑल लाइक this video. I come up with an informative video every Tuesday, so do wait for next Tuesday for the new video. So guys, this is Varun Lilani signing off.